नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा बर्गर नूडल्स जूस हॉट एंड कोल्ड कॉफी तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। जहां एक ओर बेटियों को पैदा होने से ही पहले मार दिया जाता है और उसके पैदा होने पर भी शोक मनाया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ बेटियों ने आज बिहार का नाम रोशन किया है। जी हां, 26 जनवरी की परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली है दरभंगा की भावना कंठ। उपलब्धि पर परिवार में खुशियों की लहर। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलटों में शामिल भावना कंठ के द्वारा 26 जनवरी के परेड में भारतीय वायुसेना की फाइटर विमान उड़ाने की खबर से परिजन सहित मिथिला के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस खबर के बाद गांव में रह रहे उनके परिजन भी गदगद हैं। गांव पर परिजनों में मिठाई बंटवाकर खुशी मनाई गई है। क्या ऐसे माननीय को सीएम बनाएंगे मंत्री? जदयू की तलाशी अभियान में मिले भी तो आर्म्स एक्ट हत्या के प्रयास के आरोपी एमएलए। सत्ताधारी जदयू की तलाशी अभियान का पहला चरण संपन्न हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही जदयू अल्पसंख्यक विधायक की तलाश कर रही थी। शुक्रवार को सत्ताधारी दल का तलाशी अभियान सफल हो गया। बसपा के विधायक जमा खान जदयू में शामिल हो गए। बताया जाता है कि जदयू नेतृत्व बसपा से अपने पाले में लाए विधायक जमा खान को अब मंत्री बनाने की तैयारी में है। महिला डॉक्टर ने गाली गलौज के बाद कहा, फंसा दूंगी तुम्हें बलात्कार के केस में। खबर शिवहर के पिपराही पीएचसी से आ रही है, जहां आज कोरोना टीकाकरण का काम शुरू होने वाला था, लेकिन एक महिला चिकित्सा ने प्रभारी पीएचसी के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद यहां काम करने वाले सभी कर्मी और चिकित्सक धरने पर बैठ गए और कोरोना टीकाकरण का काम ठप कर दिया। राबड़ी के पहुंचते ही लालू की बीमारी को लेकर मेडिकल बोर्ड का गठन, सेहत को लेकर करेगी निगरानी। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद की बीमारी को लेकर रांची रिम्स मैनेजमेंट में 8 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड को लालू की सेहत को लेकर निगरानी की जिम्मेदारी दी गई। बता दें कि लालू प्रसाद की तबीयत अभी गंभीर बताई जा रही है। दुकान पर चाय पी रहे युवक को बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। भागलपुर के बब्बरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद में देर शाम अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया है। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस की सहायता से घायल युवक को भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया है। नवादा में बड़ा हादसा, पुलिस की वैन पलटी, 16 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल। एनएच 31 पर करीगांव मोड़ के पास एक बाइक के सामने आने से पुलिस वैन पलट गई। इस हादसे में करीब 16 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। ग्रामीण और पुलिस के सहयोग से सभी पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए रजौली अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, नवादा सदर अस्पताल में उसे रेफर कर दिया गया है। बिहार में मिले कोरोना के 149 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 25,97,066। बिहार में कोरोना संक्रमितों की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 149 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,97,066 हो गई। बिहार में फिलहाल 2,755 कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए हैं। कैमूर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक साथ 38 बदमाशों को दबोचा। कैमूर जिले में पुलिस के हत्थे 38 अपराधी चढ़े हैं, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार इन सभी लोगों के खिलाफ अपहरण, डकैती, हत्या, लूट, मारपीट सहित कई अन्य मामले दर्ज हैं। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी भगवानपुर बेलवान और अधौड़ा थाना क्षेत्र से की गई है।
यह क्या हो रहा है बेगूसराय में? सरकार की नजर अभी तक इस पर क्यों नहीं पड़ी? 5 घंटे में दिन दहाड़े 2 युवकों को मारी गोली, कहा है जिले की पुलिस। शहर के अपराधियों ने अपनी वादशाह कायम करते हुए एक बार फिर से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। जहां 15 वर्षीय छात्र को गोली मारकर जख्मी कर दिया, तो वहीं पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है। दर्द से पीड़ित छात्र अस्पताल की बेड पर छटपटाने को विवश है। शनिवार को 5 घंटे में यह दूसरी घटना है। इससे पहले सुबह भी दुकान खोलने पहुंचे युवक को बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। लालू प्रसाद को एम्स ले जाने की तैयारी, मेडिकल बोर्ड ने लिया फैसला। चारा घोटाला में सजायाफ्ता और रांची एम्स में भर्ती राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है। 8 डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड ने उन्हें दिल्ली से एम्स भेजने की सलाह दी है। अब बेहतर उपचार के लिए रिम्स से दिल्ली के एम्स भेजा जाएंगे। इस प्रस्ताव को जेल अधीक्षक को भी भेजी गई है। अब जेल प्रबंधक इस पर आगे का निर्णय लेंगे। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब वही मार्ट है आपके लिए तैयार। वही मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। वही मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींच कर भेजे कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052443।